पब्लिक टीवी आपकी आवाज। तो चौहान साहब, ये तो आपने देखा ही होगा, अभी अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हैं, इनकी अभी नए मुरादाबाद में मीटिंग थी, जनसभा को संबोधित करने आए। कितनी पब्लिक थी राष्ट्रीय स्तर के नेता को आने के लिए, ये तो आपने देखा ही होगा। और सपा और सूबा सपा और आरएलडी, इनके जो गठबंधन हुआ है, देखो तो कुछ ना कुछ तो रंग लाएगी। जनता इस समय भाजपा से त्रस्त है, बेरोजगारी को लेके या पढ़ाई को लेके, लाइट के बिजली को लेके, या व्यापारी जो भी है, जिस प्रकार का वर्ग है, सभी प्रकार के वर्ग इस भाजपा से तंग आ चुके हैं। अब देखिए, अब रात में कर्फ्यू लगा दिया, मानते हैं हम कोरोना है, बीमारी है, क्या ये बीमारी भाजपा सरकार के हाथ में है? जब ये स्विच दबाते हैं रोड पर आ जाती है, जब ये स्विच ऑफ करते हैं वो चली जाती है। क्या कोरोना रात में ही आता है? पब्लिक को अटैक जो करता है कोरोना रात में ही करता है। इतनी बड़ी जनसभा जब इन्होंने की है अमित शाह जी ने, तो दिन में कोरोना नहीं आया, डर गया कि केंद्रीय मंत्री हैं साहब, कोरोना नहीं आएगा। इसी प्रकार आप देख लो बंगाल में, मेरे ख्याल से तो भारत का कोई भी भाजपा का बड़ा नेता ऐसा नहीं बचा जो बंगाल ना गया हो। क्या हुआ? यही इनका उत्तर प्रदेश में होने वाला है। एक भी परियोजना इनकी कामयाब नहीं है, जो इन्होंने अब तक रिबन काटे हैं वो सब योजनाएं अखिलेश यादव की लाई हुई हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, गठबंधन तो अब हुआ है, पढ़े लिखे लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि हमें इतना पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री अभी तक नहीं मिला जो अखिलेश जैसा हो। अखिलेश जी ने काम किए हैं, ये नहीं कि गठबंधन ही, वैसे मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इसलिए सहयोगी दल है, इसलिए नहीं, मैं अखिलेश जी को दिल से प्यार करता हूँ, पहले से उन्हें पसंद करता हूँ, उन्हें कार्यकाल में मैंने देखा है। भाजपा की केवल एक ही नीति है, वो है हिंदू मुस्लिम, बस इसके अलावा इन लोगों में कुछ नहीं है। कहीं राम मंदिर को ले आएंगे, कहीं राम के नाम पे वोट मांग लेंगे, कहीं राम तक को बेच देंगे ये लोग। इन्होंने देश की स्थिति बहुत नीचे चरम सीमा पे ले आए, देख लीजिए। केजरीवाल को इन्होंने हराने की कोशिश की, उन्होंने काम किया, जनता को काम चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक भी काम ऐसा नहीं है हमारी नज़रों में जो कोई कामयाब हुआ हो। कहते हैं रोज़गार दिया, इतनी नौकरियाँ दी, हमें तो लगता नहीं कहाँ है वो नौकरियाँ, है ही नहीं इन पर। और आने वाला समय तो ऐसा होगा, देखना कि ये जो बैंकों का ब्लैक चल रहा है कि ये बैंक उसमें, ये बैंक उसमें, थोड़े दिनों बाद ये होगा कि जैसे जनता इनसे रोज़गार मांगेगी तो रोज़गार इनके पास होगा नहीं। ये बैंकों की कमान, आर्थिक स्थिति, बैंकों की डमाडोल हो जाएगी, बैंकें ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद इस बैंकों को, सब बैंकों को अडानी और रिलायंस के अंडर में होंगी। जब लोग रोज़गार को कहेंगे साहब हमारे पास कुछ है ही नहीं, आर्थिक स्थिति खराब है देश की, हम पे बैंक है ही नहीं, हमारे पास धन नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी का लेख मैंने अभी पढ़ा था, पेपर में कटिंग आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने यह कहा था कि अगर देश की धरोहर संपत्ति बिकने लग जाए तो समझ लो देश की स्थिति खराब होने वाली है। इन्होंने क्या छोड़ा है? सब कुछ तो बेच दिया। कांग्रेस सरकार में हमें तो ध्यान नहीं है इतना, हमने पढ़ाई है कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, आरबीआई का सोना जब तक गिरवी नहीं रखा गया। लेकिन अब ऐसी स्थिति क्या आ गई, आरबीआई का सोना उठा के मोदी जी ने गिरवी रख दिया, कितना कर्जा विदेशों से ले लिया, कहाँ लगा वो? उत्पीड़न हुआ है जनता का, कोरोना के नाम पर हुआ, हुआ नोटबंदी, नोटबंदी से हमें तो लगता नहीं कोई फायदा हुआ। और तो सुहेल देव और समाजवादी पार्टी जो है मिलके जो अलायंस हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या अलायंस ये है कि देखिए, हमारे मंत्री जी की जो लड़ाई है पिछड़े अति पिछड़ों को लेकर है। मंत्री पहले एक मंत्री ऐसे थे अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने मंत्री कैबिनेट मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। दूसरे हैं हमारे ओम प्रकाश राजभर जी। आज के टाइम में किसी की सरकार बनती है कोई राजमंत्री नहीं मिलता, वो कैबिनेट मंत्री को छोड़ कहाँ है? क्यों? उन्हें लगा कि सरकार सही काम नहीं कर रही है, लोग परेशान हैं, तिराई तिराई है लोग, महंगाई देखिए कहाँ पहुँची है। तो ये रोजगार दे रहा है जनता को या जनता की रोटी छीन रहे हैं? अब ये आने वाला समय है, देखिए गठबंधन हुआ है, क्या होता है क्या नहीं। लेकिन हाँ, हम फिर कहेंगे मुख्यमंत्री अखिलेश जी बनने जा रहे हैं, ये सहयोगी दल जो भी है हमारे,
मिलकर लड़ेंगे इलेक्शन, तो भाजपा को अब की बार तो मुँह की खानी ही पड़ेगी। कुछ जगह तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से है नहीं कि ना वोट मिल पाए, बहुत सी जगह वोट लगे हुए हैं कि भाजपा का कैंडिडेट इस गांव में आना वर्जित है। आपने भी देखा होगा, आपके माध्यम से भी जनता का रुझान आपको पता चल रहा होगा, अब देखिए क्या होता आगे चल के। इलेक्शन मुरादाबाद से आप भी तैयारी कर रहे हैं और 28 नगर विधानसभा से, उसके बाद में जो स्थिति है अभी क्योंकि अलायंस हुआ है, उसके बाद की स्थिति फिर आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखो तैयारी तो हमारी है, अब भी है, गठबंधन में सीट आ गई है, इसलिए हमारा थोड़ा हल्की सी परेशानी हुई है। उससे पहले सुहेल देव जब अलग थी तो हम लड़ते 28 से, और हार जीत तो देखो होती ही है, लेकिन हम अलग लड़ते तब भी भाजपा के कैंडिडेट को हराते। अब गठबंधन है, देखते हैं सीट किधर जाती है। मंत्री जी प्रयास में हैं, अगर हो जाती है सही, और नहीं होती है तो गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा हम उसे तन मन धन से उसके साथ हैं और उसे लड़ाएंगे और यहाँ से भाजपा को हराएंगे। गठबंधन की सरकार बनेगी और गठबंधन के प्रत्याशी यहाँ से जीतेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।